Hey, good morning, everyone. I am Pankaj Kumar, and with Mr. Prasad, I am going to Vindhyachal Devi Ma Darshans for everyone. So please continue for everyone in this blog. Mathili Sarad Gupta ne likha hai, jitne kasht kantako mein hain, jinka jeevan suman khila, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। वास्तव में हमें कंटकों से घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। टुडे जर्नी फॉर द इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ फेमस डिओसनल प्लेसेस ऑफ माँ विंध्यवासिनी। आज हम प्रशानु और साथ में इनके पिताजी यानी हमारे गुरुजी, हम सभी लोग साथ मिलकर के आज माता जगत जननी विंध्यवासिनी माँ का दर्शन, ईश्वर स्वरूपी वर्णन का जो है दर्शन हम लोग करेंगे। और जाके और चलते चलते रास्ते में हम लोग का शौक है किताबें पढ़ना। कभी जब भी आप लाइफ में अपने जर्नी करें, यात्रा के दौरान पुस्तक पढ़ने से क्या होता है, आप यात्रा भी सही सुगम तरीके से कर लेते हैं, उसके साथ साथ पुस्तकें भी पढ़ पाते हैं। मिस्टर प्रसानु के पास है बुक टाइम मैनेजमेंट की, जो डॉक्टर सुधीर कुमार दीक्षित द्वारा लिखी गई है, और मेरे पास बुक है मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर निशांत जैन की, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक हिंदी माध्यम से अब तक बहुत ही बड़ा उन्होंने इतिहास रच करके दिखाया है। उसी पुस्तक में एक बात लिखी गई है कि हम अपने जीवन में जब भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो है क्या। वास्तविक बात देखें, सिविल सेवा परीक्षा आपके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण का एक समग्र परीक्षण है। परीक्षा में आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इम्तिहान लिया जाता है। ध्यान दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या करना है, सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के बड़ा बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन होता है। इसमें मैं तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीन मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। उससे पहले आपके जीवन में जिजीविषा, जीवंतता और जीवटता रहे, उसके लिए इसमें बहुत अच्छा कोर्स है। हमने ऐसे तमाम जीवंत उदाहरण देखे हैं जब अभ्यर्थियों ने जीवट और जुनून से बड़ी सामना करने के आगे की राह बनाई। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। वास्तव में हमें कंटकों से घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तीन मार्गदर्शन सिद्धांत भी और फॉलो करने चाहिए। क्या है, निष्काम कर्मयोग कहा जाता है, कर्मण्येव वाधिका रास्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संको सव कर्मणि, कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो। और एक और है अनेकांतवाद या स्यादवाद। सत्य को सभी लोग अपने अपने भिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, परंतु कोई भी नजरिया न तो पूरी तरह सही है और न ही पूरी तरह गलत। जिसको बोलते हैं अनेकांतवाद, हमें यह सिखाता है कि सिर्फ अपने ही विचार को सही मानना और दूसरों के विचारों को सिर्फ नकारने का आग्रह स्वयं में गलत है। इस तरह अनेकांतवाद दूसरों के विचारों का सम्मान करना और स्वीकारता कहलाता है। जैसे क्या होता है कभी कभी प्रसानु, कई लोग होते हैं ना, वो दूसरे की सक्सेस को देख करके जलते हैं। जानते हैं इससे क्या क्रिएट होता है, यहाँ देखिए ये लिखा है, वेन वी, आप लोग भी सुने, वेन वी डोंट एक्सेप्ट अदर सक्सेस इट्स बिकम जेलसी एंड वेन वी एक्सेप्ट इट इट्स बिकम इंस्पिरेशन। यानी जब आप किसी की सफलता को स्वीकार नहीं करते, तब आप क्या बन जाते हैं, ईर्ष्यालु। बट जब आप किसी की सफलता को स्वीकार कर लेते हैं, आप प्रेरणा बन जाते हैं, इंस्पिरेशन। तो एक्सेप्टेंस, ट्रक जा रही आवाज बोले, तो एक्सेप्टेंस इज द की टू हैंडल लाइफ वेल। आप अपने जीवन में स्वीकारता, केवल अपने ही बातें दूसरों पर थोपने का प्रयास न करें। और एक लास्ट है जो है तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है मध्यम मार्ग। ये बौद्धिज्म से है, जिसे मिडिल पथ और गोल्डन मीन कहा जाता है। ये कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जयते, यानी अधिकता हर चीज की बुरी होती है। जैसे कई चीजें होती है, लोग कई कई चीज बहुत आवश्यकता से अधिक कर देते हैं,
तो मध्यम मार्ग हर तरह के झगड़े और विवादों के सरल और मध्यपूर्ण समाधान की राह सुझाता है। तो ये थे जो है आपके जीवन में तीन मार्गदर्शन सिद्धांत, इसको फॉलो करें। और मिस्टर प्रसानु कुछ कोट शेयर करना चाहोगे? प्लीज शेयर अभी। अब मिस्टर प्रसानु जो है एक कोट से टाइम मैनेजमेंट की बुक से शेयर कर रहे हैं, बोलिए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमे को ही हराएंगे। इसका आज विंध्याचल की यात्रा हम लोग कम्प्लीट कर करके जो है पहुँच गए साथ में जो है गुरु जी, देख सकते हैं आप। और आई रोड आ गए हैं और हम लोग दर्शन करने के उपरांत ओनली 10 मिनट में दर्शन और 1-1.5 घंटे के अंदर फिर सीधे अपने निवास स्थल की ओर हम लोग अब जाएंगे। एहसान नहीं नहीं, एहसान किस बात का? राणा की दौलत पर राणा के हर आदमी का बराबर का हक होता है। और फिर तुम तो राणा के जिगर के टुकड़े हो।